नमस्कार, वेरी वेलकम टू वंस अगेन हैप्पी क्लिकिंग में। मैं हुरमान मिश्रा वंस को एक आपके साथ आपको बताते हैं कि आज हमारा स्पेशल टूर है जहां पर हम फोटोग्राफी में फोटोग्राफ करेंगे। ओके, आपको बताना तो मैं ये भूल ही गया था कि हमारे स्पेशल राजेश सर हमारे साथ हैं जो कि हमें फोटोग्राफी के बारे में बहुत सारा नॉलेज देते हैं। स्पेशली आज हम इन्हीं की वजह से आउटडोर शूट पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, हम अपनी जगह पे आ गए हैं और आप अपने पीछे थोड़ी देर में देखेंगे तो ताजुल मस्जिद के पास हम इस वक्त। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ के बारे में हमने कई कहानियाँ भी सुनी है जो काफ़ी हॉन्टेड है। हम और हमारे फ्रेंड्स, सारे फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स आए हैं कमलापति महल में। कहते हैं भोपाल बहुत खूबसूरत है और ये बिल्कुल सच है, भोपाल बहुत खूबसूरत है। तो इसी खूबसूरत खूबसूरती को हम क्लिक करने आए अपने कैमरे में। सो हैप्पी क्लिकिंग। मैं हुरमान मिश्रा वंस बैक आपके साथ। हम लोग हैं लेक व्यू पे। कहते हैं भोपाल की शान है, ये जान है, ये ईमान है, ये हम सबका बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर है आज अभी इस वक्त हम यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं हमारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट। फोटोग्राफी इसके पीछे हमने तो हमें भी इंट्रोड्यूस करा था सर को, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, मिस्टर राजेश बिलोनिया सर ने जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। लेकिन उनके पीछे भी एक बहुत स्पेशल शख्सियत है, रिस्पेक्टेड मिस्टर नफीस हैदर नकवी सर सर, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, जिनके बारे में जिन्होंने और भी कई चीज़ों के बारे में बास्केट कोर्सेस लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कि फोटोग्राफी तो है ही, ऑडियो एडिटिंग, रेडियो जॉकी, इवेंट, ड्रामा, डांस, बहुत सारी। और जागरण डिक्सिट यूनिवर्सिटी में सबसे स्पेशल बात यही है कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो हमें कहीं ना कहीं ब्रीड कराते हैं और भी बेटर चीज़ों के लिए। ये बेसिकली दिस आइडिया केम अप टॉस्ड बाय द सीईओ सर, दैट मिस्टर अभिषेक मोहन गुप्ता, ही ब्रॉट दिस आइडिया। सो वी वर्क ऑन दैट। It is basically not basket course. We should call it value addition basket course. Okay. It's basically add value to your current course. Okay. What scenario in these days is that nobody want to hire a person who can do the work. Mm-hmm. Everybody want the person who can do how many works. Yeah. Right. आप क्या कर सकते हैं इसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती। आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी वजह से आपकी placement या placeability will increase. ये बास्केट कोर्सेज जो भी हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन इन बेसिक नॉलेज के पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिव है, एक इंटेंशन है, जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपने स्किल्स को और बेटर बना सकते हैं। वेलकम बैक टू द हैप्पी। तो बास्केट कोर्स के इंचार्ज है सर। गुड मॉर्निंग सर। आप हमारे स्टूडेंट से आपको हम बताएंगे कि कल का एक्सपीरियंस जो आपने हमें कमेंट किया था जाने के लिए, थैंक्स फॉर इट, उसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कल के एक्सपीरियंस में मैं बताना चाहूँगा, कल हम बहुत मज़ा आया। हम स्टूडेंट सब ग्रुप में गए थे एंड सब ने फोटोग्राफी शेयर की, स्किल शेयर की, जिसको जो ऑर्डर था सिखाया एंड सर ने हमारी बहुत हेल्प करी। सर कल वैसे जैसे कि कल काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, उस वजह से हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम भी आए, जैसे लाइट पे मतलब कैमरे के धूप की लाइट आ रही थी उस पर काफ़ी प्रॉब्लम पड़ रही थी, फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो उसको कैसे रोका लाइट? लाइट को फिर सर शैडो के मतलब जैसे जिस साइड से आ रहा है उस साइड से टेस्ट करके फिर वो लिया, तो फिर वहाँ से वर्टिकल आ गया, फिर बहुत अच्छे से हो गए। मोती मस्जिद, लेक व्यू, कमलावती महल एंड अदर साइड सीन्स टू मेक हिस्टोरिकल आउटडोर फोटोशूट। That is was the gist of this course is you should learn new things with the enjoyment. We don't want you to sit in the classes. Exactly, sir. Sir, personally, मेरा तो ये experience रहा कि sir ये instead of fun trip या educational trip पे था sir, photography के अलावा भी हमने history के बारे में जाना। जैसे कि हम कल वहाँ गए थे सरदार दोस्त मोहम्मद अली खान के मकबरे पे,
जिन्होंने हमारे न्यू भोपाल की नींव रखी है कहा जाता है। और फिर दुनिया मतलब भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद जो है ढाई सीढ़ी वहाँ पर भी गए हम, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सच अ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। पहली बार दोस्तों के साथ गया हमें ताज मसाज ढाई सीढ़ी कमला पार्क कवर महल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों के साथ। बहुत सारे क्लोजर सिटी है वहाँ पे, कल ताजुल मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद जहाँ मैं पहली बार गया विजिट किया, मैं वहीं सिटी में रहता था फिर भी पहली बार गया। कमलावती महल देखने को मिला, लेक व्यू गया और हम लोगों ने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोड पे बहुत शूट किए, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट और काफ़ी इन्जॉयमेंट किया हमने वहाँ पे। ताजुल मस्जिद ढाई सीढ़ी कमलापति महल कमला पार्क लेक व्यू जी, ऐसा बहुत ही कम चांस मिलता है कि आप ग्रुप के साथ में जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ में फोटोग्राफी करते हैं जी। हाँ इट इज़ डिफरेंट, लाइक अगर आप किसी पर्सन की पिक्चर्स लेते हो तो हमें अलग अलग पोजेस में लेना पड़ता है एंड हिस्टोरिकल यू हैव टू तो हमें खुद मूव मूव करके उसके एंगल्स लेने पड़ते हैं। सो आज यही पे हम इंट करते हैं हैप्पी क्लिकिंग फोटोग्राफी को, और जैसा कि मैंने कहा था हैप्पी क्लिकिंग, तो हमेशा फोटोज क्लिक करते टाइम पे बस अपने चेहरे पे जरा सा स्माइल रखिए, फोटो भी अच्छी आ जाएगी और आपका टाइम भी अच्छा होगा और फोटो बहुत ही ऑसम जाएगा। बाय द वे आज हम ये भी ये सारी चीज़ें क्लोज करते एंड थैंक्स टू नफी सर जिन्होंने रिस्पेक्टेड जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। इंशाल्लाह ऊपर आगे भी चल के हम और अच्छा काम करेंगे, हमारे सारे स्टूडेंट्स भी अच्छे काम करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड हैप्पी क्लिकिंग टू एवरीवन।